दोस्तों बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि वो किसी एक यूरोपियन कंट्री में एक अच्छी सी जॉब सर्च करें, उसके लिए सिलेक्ट हो जाए, वहां सेटल होके अच्छे खासे पैसे कमाए, और लोग ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज को सिलेक्ट करती हैं वहां सेटल होने के लिए, वहां माइग्रेट करने के लिए, जैसे माल्टा हो गया, क्रोएशिया हो गया, पोलैंड हो गया, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वर्क परमिट आराम से मिल जाता है, इसीलिए लोगों के इजी ऑप्शन बन चुके हैं ये माल्टा और क्रोएशिया जैसे देश। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच यूरोपियन देशों के बारे में बताऊंगा जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं और वहां की सैलरी भी माल्टा और क्रोएशिया से बहुत ज्यादा है। जी हां दोस्तों, वहां पर आप बेसिक जॉब करके भी 1400 से 1500 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। कौन सी है वो कंट्रीज, क्या है वहां की बेसिक सैलरी, क्या है वहां की करेंसी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी पाते रहिए। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन एक बहुत ही सुंदर सा देश है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ के करेंसी की बात करी जाए तो स्वीडन में स्वीडिश क्रोना चलती है, जिसकी वैल्यू, एक स्वीडिश क्रोना की वैल्यू 8 रुपए के बराबर होती है। और अगर यहाँ की बेसिक सैलरी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ की बेसिक सैलरी 20 से 22 हजार स्वीडिश क्रोना पर मंथ होती है, यानी अगर आप यूरो में लगा लें तो 1400 से 1500 यूरो के करीब करीब आप 1400 से 1500 यूरो कमा सकते हैं कोई भी बेसिक से बेसिक जॉब करके। आप पहली बार अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आप 1400 से 1500 यूरो कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, आप किसी जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उन एक्सपीरियंस के अनुसार, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार बहुत ज्यादा सैलरी कमा सकते हैं। इन कंट्रीज में चौथे नंबर पर जो देश आता है वो है ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अगर यहाँ के करेंसी की बात की जाए तो यहाँ भी लेन देन के लिए यूरो ही इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आपको सैलरी भी मिलेगी तो आपको यूरो में ही मिलेगी। और अगर आप यहां की बेसिक सैलरी की बात करें तो यहां की बेसिक सैलरी 1500 से 1700 यूरो में डिफर करती है। तो आप कोई सी भी बेसिक जॉब के लिए सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, मतलब आपके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को हटा दीजिए तो भी आप 1500 से 1700 यूरो कमा सकते हैं पर मंथ के। तीसरे नंबर पे जो कंट्री आती है दोस्तों वो है नीदरलैंड। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात की जाए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तो थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्वीडन और ऑस्ट्रिया के मुकाबले थोड़ी सी कम है, मगर सैलरी यहाँ पर ऑस्ट्रिया, स्वीडन, माल्टा, क्रोएशिया जैसे देशों से कई ज़्यादा है। अगर आप बात करें यहाँ की बेसिक सैलरी की तो यहाँ की बेसिक सैलरी 1700 से 1900 यूरो पर मंथ में डिफर करती है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड की नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी और फ्रांस। तो जब भी यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने जॉब के लिए कोई कैंडिडेट सर्च करता है तो एम्प्लॉयर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी पकड़ जो है लोकल लैंग्वेजेस पे होनी चाहिए, यानी कि जर्मन और फ्रेंच। अगर आपकी जर्मन और फ्रेंच बहुत अच्छी है तो आप स्विट्जरलैंड में जाकर के आराम से 2000 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। वैसे यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छी खासी जॉब्स है और वो भी अच्छे खासे सैलरी कमा सकते हैं। बात करें स्विट्जरलैंड की करेंसी की तो स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक्स चलते हैं, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 यूरो के बराबर होती है। जी हाँ दोस्तों, एक स्विस फ्रैंक बराबर 0.98 यूरोज होते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 यूरो के बराबर ही है। तो हम स्विस फ्रैंक्स बोले या फिर यूरोज बोले, बात बराबर ही है। और इस लिस्ट में जो कंट्री पहले नंबर पे आती है दोस्तों, यहाँ की बेसिक सैलरी आपको 2500 से 2700 यूरो के बीच में डिफर करती है, यानी कि आप बेसिक से बेसिक जॉब भी करेंगे तो आप 2500 से 2700 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। करेंसी की बात की जाए तो यहां भी यूरो ही चलती है, लेन देन में यूरो, सैलरी मिलेगी तो यूरोज में मिलेगी। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, इन्हीं कंट्रीज में से किसी एक कंट्री में जॉब के लिए सर्च करें, अप्लाई करें, और अगर आप उन जॉब्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों आपको हजारों को लाखों में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी और कवर लेटर बना के तैयार करके आपको दे देंगे। अगर आप हमारी असिस्टेंस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कीजिए और वहां पर हम आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।